बच्चों आज जो है हम आप लोगों को जो है एक्सार्ट में जो है यानी प्रश्नावली 3.5 यानी बी का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके विषय में बताएंगे। जैसे आपको बताया गया था कि जैसे मान लीजिए दो धनात्मक संख्याएं हैं, एक ए है दूसरी बी है, और ये जो है ये दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, तो इसमें आपको बताया गया था कि कर्णी में अगर ए बी है तो इसको आप लिख सकते हैं कर्णी में और कर्णी में बी, मतलब इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इनको यानी गुणे का निशान लगा देंगे। और फिर जो है कर्णी में अगर ए बटे बी है तो इसको आप कर्णी में ए बटे कर्णी में बी लिख सकते हैं। ये जो है आपको हम बता चुके हैं, तो इस तरह से जो है संख्याओं को आप लिख सकते हैं। तो अभी इस संदर्भ में जो है आगे हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपको निकालना है 484 बटे 676 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे कर्णी में 484 बटे 676, यानी अंडर रूट लग जाने का मतलब कि इसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब जो है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल में जैसे ये भिन्न के रूप में है, ये अंश है और ये हर है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकाल, अंश का एक बार निकालेंगे और एक बार इसके हर का निकालेंगे। जैसे 484 का पहले हम निकालेंगे, तो ये जोड़ा बनाएंगे राइट तरफ से, तो ये हो जाएगा चार है तो दो का वर्ग बनेगा, तो दो दूनी चार हो जाएगा और दो इसमें आप जोड़ देंगे एक चार हो जाएगा। अब यहां जो है ये पूरा जोड़ा उतारेंगे यानी 84, अब जो है देखेंगे किसका वर्ग बन रहा है, तो इकाई को छोड़ेंगे चार को, तो आठ हो गया, चार दूनी आठ, दो का वर्ग यहां बन जाएगा, तो दो दूनी चार और दो चौको आठ, इस तरह से जो है इसका वर्गमूल जो है 22 आ गया। और 676 का दाहिनी तरफ से इसको भी जोड़ा बनाएंगे, तो ये दो का वर्ग है तो चार हो गया, दो बच गया, दो यहां जोड़ देंगे, ये पूरा जोड़ा उतारेंगे, जब भी उतारेंगे तो जोड़ा, तो ये 76 हो गया जोड़ा उतारने पर, अब 276 पूरा हो गया, तो चार की भाग जो है इसमें कई बढ़ जा सकती है, तो 27 इकाई को छोड़ देंगे तो 27 चार छके 24 छः बार, तो 6 6 36 6 6 24 की 27, और इस तरह से जो है 484 का 22 और 676 का वर्गमूल आ गया। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा 484 का 22 और कर्णी में 676 का 26 आ गया, तो इसलिए कर्णी में 484 बटे 676 ये बराबर हो जाएगा 22 बटे 26। अगर इसको काटना है तो काट कर छोटा भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा दो से काटेंगे तो 11 और 11 बटे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल यही। तो भिन्न के रूप में जो है अगर है संख्या तो कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि कर्णी में 2/5 का 10 के 4 स्थान पर 4 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना। अब इसका जो है दशमलव के 4 स्थान पर निकलना है, तो करते क्या है जब इसको हल करेंगे तो ये कर्णी में 2/5 है
तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि यहां 2/5 है, तो इसके हर को आप परिमेय बनाएंगे, तो यहां जो है ये 2/5 है, तो जो इसका हर है ठीक उसके उसी के मतलब 5 से ही ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कर्णी में 10 और 5 × 5 है, इसका वर्गमूल जो है 5 आ जाएगा, यानी कर्णी में 10/5 आ जाएगा। अब कर्णी में 10/5 आ जाएगा, तो यहां जो है हम कर्णी में 10 है तो इसका 10 का पहले वर्गमूल निकालेंगे इस 10। तो आपको बताया गया है कि 4 स्थान तक निकलना है, तो 10 के बाद जो है दशमलव लगाकर 1, 2, 3 और 4 स्थान तक इसका आप लिखेंगे, 4 स्थान तक निकालना है। तो इसमें जो है वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो ये 10 है, तो 1 से 9 तक के बीच में कौन संख्या है जिसका वर्ग करें तो 10 से अधिक 9 3, तो 3 × 9 हो गया, 1 बच गया, 3 × 3 6 हो गया। अब इसके बाद ये जोड़ा उतारेंगे या दशमलव बढ़ा देंगे। अब जो है यहां अब इकाई को छोड़ेंगे तो 6 की भाग जो है 10 में 1 बढ़ जाएगी, तो 1 होगा, 1 का वर्ग बनाएंगे, 1 × 1 = 1, 1 × 6 = 6, तो यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 1 निकल गया 9 और 9 में से 6 निकल गया 3, यहाँ 1 जोड़ देंगे 62 हो जाए, फिर जोड़ा उतारेंगे 39 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कई बार इसकी भाग जाएगी, जैसे इकाई को छोड़ेंगे तो 390 हो जाएगा, तो 62 की भाग जो कई बार जा सकती है, 6 × 6 = 36 यानी 6 बार जा सकती है, तो 6 का वर्ग करेंगे 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12, 3 × 15 6 × 6 = 36, 36 × 1 = 37, तो ये हो गया 10 में से 6 निकल गया 4, 9 में से 5 निकल गया 4, 8 में से 7 निकल गया 1, 6 इसमें जोड़ देंगे 3 × 6 = 32 हो गया। अब इसके बाद जो है ये फिर जोड़ा उतारेंगे, तो अब देखेंगे इसका वर्ग ये बन रहा है, तो अब जो है फिर यानी 632 की भाग 1440 में देंगे तो 6 × 2 = 12 लगभग जा सकती है, तो 2000 लिखेंगे, तो 2 × 4 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 6 = 12, तो 10 में से 4 निकल गया 6 और यहाँ 9 में से 4 निकल गया 5, यहाँ तो 3 बचा, यहाँ 7 से लेकर 13, 13 में से 6 निकल गया 7, 3 में से 2 निकल गया 1, अब यहाँ 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 2 × 3 = 6। अब इसके बाद फिर जोड़ा उतार लेंगे, अब जो है फिर 6324 है और यहाँ 0 छोड़ेंगे 17560 है, तो 2 बार लगभग फिर जा सकती है, तो 2 × 4 2 × 4 8 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 6 = 12, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 निकल गया 6 और यहाँ हो गया 9 में से 8 निकल गया 1, 5 में से 4 निकल गया 1, 15 में से 6 निकल गया 9, 6 में से 2 निकल गया 4, यानी ये जो है आपका ये बच गया शेष और ये 4 अंक तक हो गया, तो यहाँ लिखेंगे परिणाम 10 का वर्गमूल 3.162 और बटे हो जाएगा 5, 5 की भाग आते हैं तो 10.5 × 30 1 × 31 5 × 15 16 5 × 10 5 × 20, यानी आप लिख सकते हैं इसका वर्गमूल, एक बार और हम जा रहे थे कट नहीं पा रही, 5 × 20 यानी ये हो जाएगा, और दशमलव कुछ भी 4 स्थान तक भी लिखना है तो इसका उत्तर जो है दशमलव
चार स्थान, दशमलव चार स्थान पर लिखेंगे, दशमलव छह तीन दो चार, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी अगर भिन्न के रूप में दिया है तो उसका जो है आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल बता रहे हैं इसका, अब जैसे एक बटे कड़ी में एक बटे तीन का निकालना है का वर्गमूल, दशमलव के तीन स्थान, इसका जब निकालेंगे तो यहां भी वही काम करेंगे, तीन से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा एक या तीन, तो कर्णी में तीन हो जाएगा और तीन गुणे तीन नौ, नौ का वर्गमूल जो है तीन, यानी ये तीन बार हो जाएगा। अब यहां कर्णी में तीन बटे तीन आ गया, तो कर्णी में तीन बटे तीन आ गया, तो यहां जो है आप कड़ी में तीन है तो इसका वर्गमूल पहले हम निकाल देते हैं तीन का, तो तीन लिखकर दस जय स्थान तक निकालना है, दशमलव जीरो जीरो जोड़ा जोड़ा बनाएंगे, आप बताए हैं आपको ये जोड़ा बना लेंगे। अब जो है इसका एक एक कम एक 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 टू, ये दशमलव हो गया, फिर जीरो सात का वर्ग बनेगा, सात सत्तर उनचास, सात दूनी चौदह, चार अठारह, दस में से नौ निकल गए एक, नौ में से आठ निकल गए एक, अब यहां सात जोड़ देंगे चौंतीस हो जाएगा। अब फिर जोड़ा उतार लेंगे, तीन होगा, तीन तीन के नौ, तीन चौको बारह, तो दो तीन तरीके नौ और नौ एक दस, तो यहां हो गया दस में से नौ निकल गए एक, नौ में से दो निकल गया सात, यहां तीन जोड़ेंगे छह चार तीन। अब इसके बाद फिर जोड़ा उतार लेंगे, तो यहां जो इकाई को छोड़ते हैं तो सात सौ दस हो जाएगा, तीन गुणी छह दो बार जा सकती बार, तो दो बार ले जाएंगे तो दो गुणी चार, दो छः बारह, दो चौक आठ एक नौ, तीन छः, तो यहाँ हो गया दस, दस में से चार निकल गया छः, नौ में से दो निकल गया सात, और यहाँ दस में से नौ निकल गया एक, यहाँ फिर दो जोड़ देंगे चार छः चार तीन, फिर जोड़ा उतार लेंगे, तो अब जो है इसकी भाग जो है तीन स्थान तक निकाला, तीन स्थान तक निकाल दे रहे हैं, बस यही छोड़ दीजिए, तो ये होगा तीन स्थान तक ही निकालना है, तो एक दशमलव सात तीन दो अब बटे तीन कर देंगे, तो ये हो जाएगा दशमलव तीन पचे पंद्रह, आधु सत्रह, तीन सत इक्कीस, बाईस तेईस, तीन सत फिर इक्कीस, और फिर एक बच गया जीरो, तीन तरीके नौ, फिर तीन तरीके नौ होगा, छोड़ दीजिए तीन स्थान तक निकालना है, दशमलव पांच सात सात, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी अगर भिन्न में दिया है तो उसका जो है वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। इस प्रश्नावली में आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे गए कि जितने स्थान तक निकालने के लिए कहा जाए उतना स्थान तक निकालेंगे, अगर ये समझ में नहीं बात आ रही है तो यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं आप, जैसे कर्णी एक बटे तीन, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, कड़ी में एक बटे कड़ी में तीन, अब जो कड़ी में तीन है तो फिर कड़ी में तीन से ये ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये कड़ी में तीन का कड़ी में एक में करेंगे तो कड़ी में तीन ही होगा, और कड़ी में तीन गुणा करेंगे तो नौ, नौ का वर्गमूल तीन,
इस तरह भी हो सकता है। अगर आपको समझ में आया तो इस तरह भी देख लेंगे और ऐसे जैसे बता रहे होंगे, मैंने इसमें जो है आपको इस तरह बनाना होगा परिमेयकरण करके इस तरह से जो है, जैसे इसके पहले भी बताया एक बटे जैसे सात है मान लीजिए काड़ी में, इसको आप लिख सकते हैं काड़ी में एक बटे काड़ी में सात। तो यहाँ भी जो है आप चाहें तो काड़ी में सात बटे काड़ी में सात से इसका है सौभाग्य में पूरा कर लीजिएगा। तो ये एक का जब सात में पूरा करेंगे तो काड़ी में सात ही जाएगा, अब काड़ी में सात इसका मान सात आ जाएगा, क्योंकि आपको पता सूत्र होता है काड़ी में एक गुणे काड़ी में बराबर के, इस सूत्र पर आप कर देंगे। तो अब सात का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, कितने स्थान तक का है, तीन स्थान तक, चार स्थान तक, इसका वर्गमूल निकाल कर सात के फिर उसमें भाग कर दीजिएगा, जैसे इसको आपको बताया। तो कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप उसी तरह इसको हल करेंगे। अभी जैसे इसके पहले अगर आपको बताया है अभी कि काड़ी में दो बटे पाँच है, तो इसको भी चाहे तो आप कड़ी में दो बटे कड़ी में पाँच आप अलग अलग लीजिए। अब इसमें कड़ी में पाँच है तो इसके हर ऊपर में बनाने के लिए भी कड़ी में पाँच से ऊपर नीचे आप पूरा कर दीजिए, तभी कड़ी में दस और कड़ी में पाँच बराबर पाँच। अब इसको हम बताएं इस तरफ भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ दस कड़ी में दस का वर्गमूल निकाल देंगे फिर पाँच को भाग दे देंगे, इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। फिर आगे है क्या एग्जाम्पल और बता रहे हैं आपको, जैसे कड़ी में क्या पांच का मान ज्ञात कीजिए तथा 110.25 अब प्लस 1.1025 का मूल्यांकन कीजिए। एक प्रश्न है और इसका पहले निकालना है, तो आप पहले इसको निकालिए, दाहिनी तरफ से जुड़ा बताएंगे, बनाने के लिए बताया गया है आपको, दाहिनी तरफ से पहले बनाएंगे। एक का वर्ग एक, एक एक दो हो गया, अब ये उतार देंगे यानी दस हो गया। अब जो है यहाँ जीरो को हटाएंगे एक हो जाएगा, दो की भागी नहीं जाएगी, इसीलिए फिर जीरो बनाना होगा, फिर जोड़ा उतार लेंगे। अब इसमें पांच का वर्ग बनेगा एक, पांच पच्चे पच्चीस, पांच दूनी दस, यानी इसका एक वर्गमूल हो गया 105 आएगा, इसका वर्गमूल 105 आएगा। यानी लिख सकते हैं आप कड़ी में 11.025 के बराबर 105। इसी तरह इसलिए आपका जो है यहाँ कड़ी में 110.25 है, आप प्लस कड़ी में 1.1025 है। अब तो कहने का मतलब संख्या तो वही है, वर्गमूल तो 105 ही आएगा, लेकिन अब बात रही इसमें दशमलव की, तो दशमलव के हिसाब से जो है आपको लगाना होगा। अब क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि तीन अंक है तो दशमलव दो अंक पर लगाना चाहिए, जैसे इसका मान जो है 105 आ रहा है, लेकिन चूंकि दशमलव के पहले ये तीन अंक है इसलिए जब भी इसका हम वर्गमूल निकालेंगे दशमलव का तो 10.0 आएगा दो अंक पर, ये कम कर देंगे 10.5 इसका माना जाएगा। और इसका जब निकालेंगे चूंकि एक ही अंक है इसलिए 1.05 ये हो जाएगा 1.05। अब दोनों को मिलाकर आप जोड़ देंगे, जब दोनों को मिलाकर जोड़ेंगे तो 11.55 यानी इसका मान आएगा, यही इसका आंसर है। इस तरह से आप इसके मान को निकाल सकते हैं। और लास्ट एक और एग्जाम्पल बताते रहे हैं, आप इसको ध्यान देंगे, जैसे कड़ी में 625 है और कड़ी में 289 है, इसका जो है का मान ज्ञात कीजिए। इसको मान बताना है
तो यहाँ जो है आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 625 का जैसे भाग भी दीजिए चाहे खंड कर लीजिएगा, इसमें कोई दिया नहीं परिमाण बताना है। तो ये 625 है तो इसको 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं आप, यानी 625 का ऐसे आप खंड कर लीजिएगा जो आपको बताया गया है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। और इसका जब निकालना है तो 289 करेंगे तो 17 × 17 आएगा, चाहे इसको भाग से लगाइए चाहे गुणनखंड से लगाइए। तो यहाँ जब ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, इसमें से वो 5 और इसमें से 5 और इसमें से एक जोड़ा है तो इसमें से 17, तो ये जो है आ जाकर 25 × 17 का गुणा करेंगे तो 17 × 25 = 85 और 17 × 34 = 42। इस तरह से जो है इसका वर्गमूल जब निकालेंगे इसका मान तो 425 आ जाएगा। इस तरह से जो है आप चाहे तो 625 का जो है भाग विधि से ये दोनों का लगा कर भी आप इसके मान का गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप जो है इसको लगाएंगे प्रश्नावली को, तो प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आई होगी, उसमें अगर कहीं दिक्कत हो रही है इस प्रश्नावली के अंदर तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।